हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स के अंदर। मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ इंडेक्स प्लस मैच टूल्स के बारे में। ये टूल्स वी लुकअप के जैसे ही वर्क करता है, बट वी लुकअप से ज़्यादा पावरफुल है। कैसे, वो चीज़ हम इस आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि इंडेक्स और मैच टूल्स होता क्या है और ये वी लुकअप से पावरफुल कैसे है। जैसे मैं इंडेक्स का फार्मूला लगाता हूँ, इंडेक्स इंडेक्स इसमें एरे होता है, एरे, ठीक है। हमें एरे मींस सीधा सा मतलब समझ लीजिए आप हिंदी में, कि एरे मींस एरिया, कि कितने एरिए की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हमें ढूंढना है, इंडेक्स फाइंड करना है हमें, वो उसमें एरे चाहिए, कितने एरिए में से ढूंढना है। मैंने कहा इस प्राइस में से मुझे निकालना है, ठीक है, कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमने लगाया कोमा, अभी कह रहा रो ऑफ नंबर्स, इतने में से ढूंढना है, ये बात समझ में आ गई। पर कौन सा डाटा चाहिए आपको, कौन से रो का डाटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आपके हेल्प के लिए यहाँ पे साइन कर रखा है स्काई कलर्स का, 1 2 3 4, चार नंबर का डाटा चाहिए, सिंपल 4 नंबर्स लगा एंटर, ठीक है। वो ब्रैकेट क्लोज अपने आप ही कर लेगा, इससे हमारे पास डाटा निकल गया 25,000, ओके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और यहाँ पे जो फोर्स लिखा हुआ है, जैसे आइटम्स कोड फोर्स, ये नहीं है, ये आइटम्स कोड नंबर दे रखे हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, तो इससे आप ना समझ के यही समझिए कॉलम्स, 1 2 3 4 4 नंबर्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैच वैल्यूज देख लेते हैं। मैच वैल्यू एग्जैक्टली में मैच वैल्यू करता क्या है, मैच किया और यहाँ पे लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब कि हमको कौन सी वैल्यू देखनी है, मेरे को 25,000 वैल्यू देखनी है, ओके। यहाँ पे लुकअप एरे, लुकअप एरे का मतलब सिंपल सी, जो हमें देखना है, लुकअप जो हमें देखना है वो कौन से एरिया में से देखना है। मैंने कहा मुझे इस एरिया में से देखना है, फिर घूमा, फिर ये मेरे से पूछ रहा है 1 less than 0 एक्स्ट्रा मैच एंड ग्रेटर देन। तो देखिए मुझे जो है एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब ये नहीं कि मतलब एक अगर मैं कर देता हूँ तो उसके जैसा मिलता जुलता दिखा देगा, पर मिलता जुलता नहीं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। और इसको ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, 4 दिखलाया इसने, ठीक है, हमें तो 25,000 देखना था, 25,000 एक्चुअली इसमें फार्मूला जो है मैच वैल्यू, मैच क्या करता है कि आपको उस कॉलम ऑफ रो, देखिए यहाँ पे जो फार्मूला था ये क्या बताता था, रो ऑफ नंबर, ये रो ऑफ नंबर निकाल के देता है, ये वैल्यू नहीं निकाल के देखता उस जगह, वो वैल्यू 25,000 कौन से रो पे है वो हमें दिखलाता है ये। चलिए अब इन दोनों के मैच से हम देखते हैं कि वी लुकअप से कैसे बेटर वर्क करता है, तो आइए हम चेक करते हैं बिना कुछ समय गवाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है पहले से ही वी लुकअप बाई, चेक करते हैं इक्वल टू में इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स में एरे, एरे मतलब एरिया चाहिए हमें। प्राइस की हम बात करें तो हम प्राइस का एरिया ले लेंगे, ठीक है, फिर उसके अंदर हम कोमा लगाया हमने, यहाँ पे आप हम लेते हैं नंबर्स ऑफ रो ऑफ नंबर, यानी कौन से नंबर का डाटा चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे 4 नंबर किया था, तो हम यहाँ पे मैच वैल्यू यूज़ करेंगे, मैच मैच फार्मूला फंक्शन यूज़ करेंगे। मैच फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले देंगे इसके अंदर लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू देखनी है, तो हमें नंबर नहीं बताना कि 4 नंबर 5 नंबर, मुझे माउस का प्राइस चाहिए, दैट्स ऑल, माउस का प्राइस चाहिए। फिर कोमा लगाया हमने, लुकअप एरिया, अब ये माउस के प्राइस को सर्च कहाँ से करेगा, उसका एरिया का है, माउस को ये सर्च कहाँ से करेगा, माउस को सर्च करेगा ये कंप्यूटर पार्ट के एरिया से, ठीक है। फिर कोमा लगाया हमने और फिर वे इक्वल टू 0, हमें मैच एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और एंटर मारा, यस नो पूछेगा, यस, माउस का 99 प्राइस आ गया, ठीक है। हम सिंपल से आते हैं, हमें नीचे के और भी चाहिए तो हम ड्रॉप डाउन कर देंगे, पर हम क्या पाते हैं कि नॉट अलाउ एंड 25 लैपटॉप्स का आ गया, 2 मिल गए बाकी नहीं मिले, ठीक, कोई नहीं। ये किस लिए होता है, ये जब हम भी वैल्यू जब हमने किया C6 किया, C6 मतलब बात कर रहे हैं हम C6 ABC एंड सी ABC सी का 6, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक C10 तक, तो ये जो चीज़ है ये हमारा हमेशा फिक्स होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमारा तो जो एरे है, एरिया है वो तो फिक्स रहेगा ना, इतना तो एरिया फिक्स रहेगा ना हमेशा,
लैपटॉप के लिए भी उतना ही एरिया रहेगा। जब हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो वो भी वो नीचे नीचे ड्रॉप डाउन होता रहता है अगर फिक्स नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, सी मैं नेक्स्ट टाइम में अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तब दिखाता हूँ आपको क्या है। ठीक है, दोनों को मैं आपको एक बार शो करवा देता हूँ कि एग्जैक्ट में आ क्या रहा है, ये देखेंगे आप। तो देखिए एग्जैक्ट में क्या है, C6 एंड C7। ठीक है, यहाँ पे तो C7 आ गया। ठीक है, सारे वो सेवन, जहाँ सिक्स है वहाँ सेवन चेंज होते रहते हैं, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा तो फिक्स है, इतना एरिया जो हमारा फिक्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम उसके लिए एक छोटा सा कमांड करेंगे इजी सा, जो ये एरिया यहाँ पे हम क्लिक करके F4 कर देंगे। F4 करते ही आगे पीछे डॉलर लग जाएगा इसके, और यहाँ पे भी जाके F4 कर दिया क्योंकि दोनों को जो है फिक्स कर दिया हमने। मैच वैल्यू में E6 हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि E6 माउस तो हमारा जब नेक्स्ट पे करे तो वो होना ही चाहिए, E7 होना चाहिए, तो वो तो हो ही रहा था। तो हमें इसको फिक्स नहीं करना, इसके जो बाद जो लुकअप एरिया है उसको फ्रिज करना है, इसको हम फ्रिज करना कहते हैं। फ्रिज हो जाता है, ये फ्रिज हो गया और हमने एंटर मार दिया। अब इसको हम सीधे ड्रॉप डाउन कर देंगे, यहाँ से कोने से क्लिक करके कर दिया और हो गया। इस बार हमारा नॉट अलाउ नहीं आया और एग्जैक्ट वैल्यू आई है। और आप कहेंगे कि वी लुकअप भी तो वैसे ही चलता है इसमें, और इसमें क्या अंतर है, तो वी लुकअप भी करके देख लेते हैं। वी लुकअप फटाफट कर लेते हैं। वी लुकअप क्या, सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या देखना है, माउस लुकअप वैल्यू माउस किया, फिर आता है उसके बाद देखो टेबल एरे कि माउस को ढूंढना है कहाँ से। तो इसके अंदर हम पूरा एरिया लेते हैं कि हमें इसमें से ढूंढना है क्योंकि हमारे को सिर्फ माउस डिस्प्ले नहीं करवाना, प्राइस भी करवाना है। तो माउस अगर सिर्फ करवाना होता तो ये, पर हमें ये भी चाहिए तो हम ये भी एरिया लेंगे। फिर हम उसके बाद कहते हैं कि कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर होता है ये है कि मेरे को तो माउस तो वो सर्च करेगा, माउस कर दिया सर्च उसने यहाँ पे, बट माउस का प्राइस चाहिए मुझे, माउस तो चाहिए नहीं ना, तो वो उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो इसका माउस का इंडेक्स नंबर 1 हो गया, इसका इंडेक्स नंबर 2 हो गया क्योंकि स्टार्टअप हमने यहाँ से किया। अगर मैं यहाँ से स्टार्टअप करता तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो स्टार्टअप यहाँ से तो 1 ये हुआ, सेकंड ये हुआ, तो मैं इसमें सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, फिर कोमा गया, फिर ट्रू फॉल्स पूछेगा तो 0 हम करेंगे क्योंकि हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमें। एंटर किया 99 एंड ओके। सेम चीज़ इसमें भी करूँगा तो वही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने फ्रिज नहीं किया एरिए को, तो मैंने यहाँ से F4 करके फ्रिज कर दिया। ठीक है, एंड कंट्रोल डी करके ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैल्यू है, मैं नॉट ए डाउट नॉट ए इशू। पर जब हम बल्क ऑफ डाटा करते हैं या फिर सपोज डेट कुछ चेंजिंग करनी, वैसे वो सी में एक इंसर्ट कर दिया मैंने, इसमें इंसर्ट कर दिया, ओहो ये सारे 0 हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे इंसर्ट किया वी लुकअप में 0 हो गए, बट मेरा जो इंडेक्स प्लस मैच था जो मैं बता रहा था आपको कि वी लुकअप से पावरफुल है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई, डाटा सही है। चाहे मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ, सपोज दैट माउस का प्राइस जो है, लैपटॉप का प्राइस कम हो गया, 21,000 हो गया, चेंज हो रहा है उसमें, कीबोर्ड का प्राइस 200 हो गया, चेंज हो रहा है, बट ये गायब हो चुका है, इसमें नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक जो है कॉलम्स ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें नहीं हो रहा है। तो आपने देख लिया कि इसको मैं वापस कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर वैल्यू आ गई डिलीट करते। तो आपने देख लिया होगा कि वी लुकअप से पावरफुल इंडेक्स प्लस मैच कैसे है, और ये बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं एक बार एग्जांपल करके इसको शो कर देता हूँ आपको, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप कर सकते हो 2 से 3 प्रैक्टिस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।